आई लव मुझे इंडियन कपड़े पहनने में बहुत अच्छा लगता है. लव वेयरिंग साड़ीज. मेरी माँ मेरे लिए खरीदती रहती है. आज मेरी माँ ने मुझे एक नई साड़ी गिफ्ट करी है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट. मैं बस बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है. हमेशा से मैं बोलते आई हूँ कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ महाराष्ट्रियन. आई एम अ पारसी बाय बर्थ, लेकिन इस सिटी ने, मुंबई सिटी ने, इस स्टेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है. लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स हु आर गोइंग टू गेट दिस अवार्ड एंड आई एम वन ऑफ देम. यू नो आई हैव जस्ट स्टार्टेड आउट, सो बेसिकली आई जस्ट फील टोटली हम्बल दैट आई हैव बीन आस्क्ड टू कम हियर एंड गेट दिस अवार्ड. आज मुझे ऐसा लगा कि सच्चा एक मैं मुंबई का हूँ, महाराष्ट्र की तरफ से मुझे प्यार मिला, अपनापन मिला. बहुत बहुत शुक्रिया NBC के और जिन लोगों ने मुझे इस लाइक समझा कि मैं यहाँ की अवार्ड लूँ. और इस अवार्ड के असली हकदार तो बेसिकली करण जौहर, कैटरीना कैफ और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे, ये है क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस गाने के लिए, जिस गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला चिकन चमेली के लिए. और शायद ये फर्स्ट में मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा. बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का. महाराष्ट्र में रहते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है, और जब हमें किसी अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है. I feel really glad that I'm a Mumbaiite and I've been staying here since my childhood. I went to school, I went to college and ever after I've been living in Mumbai. So mere liye bahut hi garv ki baat hai ki main ek Mumbaikar hu aur aaj Maharashtra Day ke din ek Maharashtrian ki tarah dressed aayi hu. You know, this award I have to dedicate to my family, my children, my husband. Because I think without them and without their support, I couldn't have been doing what I'm doing. मुझे जब मिस्टर मनोरंजन का अवार्ड मिला, श्रीमान मनोरंजन का अवार्ड मिला बिग बॉस में 5 लाख वाला और फिर अंत में 10 लाख वाला, वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड था.